नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2020 की और सी 2020 की तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को आप मिस नहीं कर सकते बहुत ही बेस्ट और रीजनेबल प्राइस मैंने बुक आप लोगों के लिए बनाई है अगर आपको पसंद हो ये बुक तो ज़रूर लीजिए Uh, काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो ले चुके हैं और बिल्कुल अपडेटेड है एग्ज़ाम तक ये पूरी बुक अपडेट रहेगी काफ़ी अच्छे लेटर हैं इसमें 500 प्लस लगभग जितने भी जनरलाइज टॉपिक हैं और जो भी दूसरे टॉपिक हैं वो सारे मैंने आपको इस पी में करवाए हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैंने पी बनाई हुई है डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप गूगल पे भी कर सकते हैं विल इंडियन गवर्नमेंट बैन और रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी अभी आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया था तो क्या वो कंप्लीट बैन लगाएगी या फिर इसको रेगुलेट करेगी तो उस बारे में ये पूरा आर्टिकल है और इसको थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में ये क्या प्रोसेस है देखिए द क्रिप्टो करेंसी एंड द रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 ट्वेंटी वन सीक्स टू प्रोबिट ऑल द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया इन द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट स्टार्टिंग नवंबर ट्वेंटी ठीक है मतलब एक ऐसा बिल लेके आ रही है जिसमें ये जो विंटर सेशन होने वाला है डेट इज़ स्टार्टिंग ट्वेंटी नाइन नवंबर जिसमें वो प्रोबिहट करेगी सारे इस तरीके के प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को जो कि इंडिया के अंदर जो ट्रेड कर रही है तो द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैड सेट डेट गवर्नमेंट वुड ट्राई टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी इन सम वे बट वट ऑफ क्रिप्टो रेगुलेशन वुड बी इंट्रोड्यूस्ड दिस इज द क्वेश्चन विच रेगुलेशन वुड बेनिफिट द कंट्री एंड विल बैनिंग क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली हेल्प द कंट्री बिफोर मेकिंग ए लो ऑन एनी मैटर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन इट बट इट इज़ नॉट ईजी टास्क टू डिफाइन क्रिप्टोकरेंसी क्रिप्टो करेंसी को डिफाइन करना इतना भी आसान नहीं है इट इज़ अ ब्लॉक चेन प्रोसेस यू ऑलरेडी नो डैट और जिसको क्रिप्टो करेंसी का पूरा प्रोसेस जानना हो तो यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिएगा काफ़ी अच्छे आपको नॉलेज मिल जाएगी किस तरीके से क्रिप्टोकर जो है वो वर्क करती है किस तरीके से बिटकॉइंस माइनिंग होती है और ब्लॉकचेन जो है वो बनती है इन हाउ मेनी कंट्रीज कैन वन यूज इट एज सच ओनली वन कंट्री ई सेल्वाडोर अलाउज़ इट टू यूज़ एज अ लीगल टेंडर ठीक है सिर्फ एक ही कंट्री जो ऐसी है जो कि इसको लीगल टेंडर के तौर पर यूज़ करती है द गोर्मेंट से क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन आर यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग फॉर फंडिंग क्रिमिनल एक्टिविटीज बाय क्रिमिनल्स एंड फॉर द टैक्स इवेजन एवरी गवर्नमेंट कंट्रोल द मोनिट्री सिस्टम ऑफ दिस कंट्री थ्रू सेंट्रलाइज बैंक्स मतलब हर गवर्नमेंट ये चाहती है ना कि उसकी उसकी मुद्राओं पर पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो रहे उससे वो रेवेन्यू कमाए लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या है एक ऐसी चीज़ है जिस जिसपे गवर्नमेंट का पूरी तरीके से एक अधिक आ, एक अधिकार नहीं है अधिकार नहीं है गवर्नमेंट के वो कंट्रोल में नहीं है इस वजह से अब चाइना जैसी कंट्री है जिनको क्रिप्टो करेंसी पर बैन कम्प्लीटली लगाना पड़ा क्योंकि चाइना से बर्दाश्त नहीं होता कि कोई ऐसी चीज़ डेवलप हो जिसका कंट्रोल उसके अंडर में ना हो तो उसके बाद देखिए एवरी गवर्नमेंट कंट्रोल द मोनिट्री सिस्टम ऑफ इट्स कंट्री थ्रू सेंट्रलाइज्ड बैंक एंड बिकॉज बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो करेंसीज आर सो डिसट्रलाइज हैं सेंटर के कंट्रोल में नहीं है बट द नॉट डो टू गिव अप देयर कंप्लीट कंट्रोल

उनको रिकवर किया तो वो जो हैकर्स हैं वो दूसरी कंट्रीज़ के पास नहीं है बट द सेम कैन नॉट बी सेट फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज उनके पास इतने तकड़े हैकर्स नहीं हैं अकॉर्डिंग टू द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफ इंडिया फोर्टीन बिलियस रुपीज़ वॉज लॉन्डर्ड आउटसाइड इंडिया इन द लास्ट ईयर बाई यूजिंग क्रिप्टो करेंसी मतलब कितनी बड़ी ये अमाउंट है फोर्टीन बिलियन रुपीज़ जो कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ही बाहर जो है वो लॉन्डर्ड uh, की गई गलत तरीके से भेजी गई इन मोस्ट कंट्रीज़ बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी थ्रू आर नोट लीगल थ्रू आर नोट थ्रू लीगल आर नोट यहाँ पे ये लीगल आएगा इस तरीके से कंप्लीट होता है सेंटेंस थ्रू लीगल आर नोट लीगल टेंडर मतलब वो लीगल नहीं है uh, लीगल है बट लीगल टेंडर नहीं है लीगल टेंडर Uh, नहीं है इसका मतलब ये है बट दे कैन नॉट बी यूज एज करेंसी बट कैन बी यूज फॉर अदर परपज इट इज़ लीगल टू बाई सेल और यूज दैम एज एसेट मतलब उनको एसेट की तरह यूज़ किया जा सकता है खरीदा जा सकता है एग्जाम्पल जैसे बिटकॉइन इज़ लीगल इन यू एस एंड इट इज टैक्स और इसको प्रॉपर्टी की तरह है, जो है वो टैक्स जो है वो लगाया जाता है इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज क्रिप्टो करेंसीज आर एक्सेप्टेड एज डिजिटल एसेट एंड कॉमोडिटीज बिटकॉइंस आल्सो हार्मफुल इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट also the uh, electricity consumption of bitcoins is very large the countries that have banned cryptocurrency will have to bear losses in term in, in the areas of blockchain and crypto innovation as it can be used in innovation as it can be used in the elections in the healthcare system to make the existing system better and the tax revenue for the government the rbi rbi ha, had banned cryptocurrency in april 2018 but this ban was legally challenged in court, and SC Supreme Court struck down this ban in March 2020 and said that banning everything is not the solution. And finally, the government has started to understand this point, and crypto industry will still hopeful of regulations as government plans.